जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि भारत ने अपना रक्षा आयात में भाई साहब क्या 33 पॉइंट की कमी लाई है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि जेपी भाई हमें ये बताइएगा कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और दूसरी बात, मान लीजिए उठाया भी है तो क्या भारत को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, और भारत की इससे पीछे रणनीति क्या है वो हमें बताइएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको एक एक करके अच्छे तरीके समझाएंगे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे रणनीति क्या है, और भारत ऐसा क्यों कर पाया है, उसके पीछे रणनीति क्या है। तो प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि इस सेशन को आप हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको समझाते हैं। प्यारे साथियों, इंडिया से इम्पोर्ट और आर्मी डिफेंस भाई 33% की कमी लाई है, क्या ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, क्या 33% की भाई सब क्या कमी लाई है, किसमें? डिफेंस में, यानी कि जिसे जो राफेल हो गया, जिसे हम फ्रांस लाते थे और अमेरिका से भद्र ढूंढ लाते थे, ऐसे अनेक प्रकार के देश हैं जिससे हम क्या प्यार साथियों जो हथियार होता है उसे इंपोर्ट करते थे, यानी कि आयात करते थे। अब उसमें क्या 33% की कमी आई है, और प्यार साथियों यह कौन भाई साहब बताता है? क्या कोई कंपनी है, क्या कोई रिसर्च सेंटर है? तो क्या प्यार साथियों ऐसी कंपनी कोई है जो बताती है कि भाई साहब हाँ ये कमी इतना हुआ, ये इतना अधिक हुआ? तो प्यार साहब ध्यान दीजिएगा, यह एक कंपनी है भाई साहब, क्या एक कंपनी, ये संस्था है जो काम करती है इसी पे, और भाई साहब बताती है, वह क्या हुआ, बताती है कि किस देश से कितना डील हुआ भाई साहब, क्या किस देश की रक्षा सौदा कितना है, और अगर मोटा मोटा समझाता तो ये बताती है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, आप कितने नीचे हैं, कितना मेहनत करिए थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। कह रही हमारा ये मतलब है कि यह कंपनी भाई साहब क्या करती है, बताती है कि कितना रक्षा सौदा इसके साथ हुआ है, अनेक प्रकार की बातें बताती है। तो देखिए, इस कंपनी का क्या नाम भाई साहब, तो सिपारी, क्या इस कंपनी का नाम है सिपारी, लेकिन इसका फुल फॉर्म समझिएगा भाई साहब, क्या स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या भाई साहब काम क्या करती है, तो इसका काम यही है कि जितने ट्रेड होते हैं, चाहे रहा कि भाई साहब क्या, मान लीजिए इंडिया और जापान से जो ट्रेड हुआ था उसका भाई साहब क्या अपन डाटा रखती है, और भाई साहब क्या उसको एनालिस करती है और अच्छे तरीके से बताती है पूरे विश्व में कि हाँ भारत के पास इतना अच्छा सौदा हुआ है, भारत ने इतना आयात किया है, सारी बातें क्या करती है, बताती है। और ध्यान दीजिएगा, यह भारत के बारे में नहीं बह सकती हूँ, जितने पूरे विश्व में 108 देश हैं, क्या देखिए विश्व में तो और अनेक प्रकार के देश हैं, लेकिन प्यार साथियों क्या 108 देशों के बारे में, क्या जो 108 देश हैं प्यार साथियों उनके बारे में यह बताती है कि हाँ आपके पास इतना रक्षा सौदा है, आपने क्या किया, इतना खर्च किया, आपने इस देश से इतने रुपए का सौदा किया, आपने हथियार इतना इम्पोर्ट किया। प्यार साथियों ध्यान दीजिएगा, यही इस कंपनी का काम है। अब आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि जेपी भाई हमें ये बताइएगा यह कंपनी कहाँ की है और इसके प्यार साथियों स्थापना कहाँ हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए प्यारे साथियों, इस कंपनी का भाई साहब क्या स्वीडन है भाई साहब, क्या इस कंपनी का हेडक्वार्टर है, और देखिए यह कंपनी भाई साहब यहाँ ही क्या प्यारे साथियों यहाँ स्थापित की गई थी, और देखिए स्टॉक होम आपको अगर यहाँ दिख रहा होगा, देखिए अगर स्टॉक होम आपको यहाँ दिख रहा हो प्यारे साथियों, तो यहीं पे क्या ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, यहीं पे भाई साहब क्या इसका हेडक्वार्टर है, और भाई साहब क्या स्वीडन है भाई साहब यह स्थापित हुआ था, और स्वीडन में कहाँ पे, तो स्टॉक होम जो है वहाँ पे प्यारे साथियों क्या इसका एक हेडक्वार्टर है। अब आप मैं जिज्ञासा उठ रही हूँ कि भाई साहब हमें ये बताइएगा कि इंडिया ने ऐसा क्यों कर पाया है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो समझिएगा प्यारे साथियों, क्या तो वो समझिएगा। देखिए अगर मैं आपको बताऊं प्यारे साथियों, तो इंडिया क्या, इंडिया भाई साहब लार्जेस्ट इंपोर्टर है, क्या लार्जेस्ट इंपोर्टर भाई साहब, सेकंड नंबर भाई साहब, क्या जो लार्जेस्ट इंपोर्टर, यानी कि लार्जेस्ट इंपोर्टर का मतलब समझिएगा कि भारत विश्व में दूसरे नंबर भाई साहब, क्या भारत विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक रक्षा सौदा भाई साहब का आयात करता है। अभी भी बताइए 33% की हम कमी कर दिए हैं, फिर भी भाई साहब क्या विश्व में दूसरे नंबर पे भाई साहब क्या हम आते हैं, किसमें, आपके रक्षा सौदा आयात करने में। अब आप मुझे जिज्ञासा उठे कि भाई हमें बताइएगा पहले नंबर पे कौन है, तो भाई साहब देखिए क्या आपका सऊदी अरेबिया है, क्या अब भाई साहब क्या आपका सऊदी अरेबिया है जो विश्व में सबसे अधिक भाई साहब क्या रक्षा सौदा आयात करता है। भाई साहब रक्षा सौदा का मतलब समझिएगा, जैसे बम हो गया, गोला बारूद हो गया, अपने डिफेंस के लिए राफेल हो गया, अनेक प्रकार के जो होते हैं ये सब का भाई साहब क्या रक्षा सौदा में आते हैं। तो देखिए इतना कम करने के बाद भाई साहब क्या हमारा नंबर कितने पे है, दूसरे नंबर भाई साहब क्या हम हैं जो पूरे विश्व में सबसे अधिक भाई साहब दूसरे नंबर पे हैं जो अपने रक्षा सौदा प्यार साथियों करते हैं और आयात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य बताते हैं आपको जिससे आपको अच्छी तरह जानकारी मिलेगी। प्यार साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत ऐसा क्यों कर पाया, उसके पीछे प्यार साथियों क्या रणनीति है, तो ध्यान दीजिएगा। अब भारत एक प्रकार से अलग नीति चल रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, 2025 तक, क्या 2000 भाई साहब क्या 2025 तक प्यार साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए 2025 तक प्यार साथियों क्या
2025 तक पर साथियों इंडिया 110 क्या 110 ऐसे रक्षा सौदे हैं जिनको कैंसिल कर दिया है और इंडिया ने कहा है कि भाई साहब 2025 तक ऐसे 110 रक्षा सौदे हैं जिसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे और उनको भाई साहब क्या हम आयात नहीं करेंगे, अब उनको अपना देश बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये छोटे मोटे गन हो गए, आर्टिलरी गन हो गए और जो छोटे छोटे मिसाइल हो गए, इनको क्या करेगा भारत अपने यहाँ बनाएगा। अब देखिए बनाएगा कि भाई साहब टेक्निक कहाँ पर है, अब आपके मैं जिज्ञासा उठी कि भाई साहब टेक्निक कहाँ पर, तो ध्यान देगा अब भारत ने कहा है कि जो कंपनियाँ से हम खरीदते हैं भाई साहब, मान लीजिए राफेल की बात करें या फिर अनेक प्रकार के जो डिफेंस है उनकी बात करें, प्यारे साथी उनका कहना है कि अब जो कंपनियां यहां भारत में आके प्रोडक्शन करेंगी, क्या ध्यान सुनेगा भारत में आके भाई साहब क्या प्रोडक्शन करेंगी, तब हम उनसे भाई साहब डील करेंगे। अब इसका फायदा क्या को समझिए, देखिए मान लीजिए कोई दो कंपनी आ गई, बात मैं करूँ मान लीजिए दो कंपनी आ गई और भाई साहब क्या मान लीजिए 2000 लोगों को रोजगार दी, क्या 2000 लोगों को रोजगार दी, ऐसा है नहीं कि सिर्फ 2000 लोगों को रोजगार देगी और रोजगार दे सकती है उससे, देखिए हमारे देश में भाई साहब क्या टेक्निकल एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। इसलिए प्यार साथियों हमारी सरकार चाह रही है कि जो देश हैं वो आके भारत में प्यार साथियों कंपनी भी स्थापित करें और यहाँ एक प्रकार से प्यार साथियों प्रोडक्शन करें। आपको पता होगा कि इंडिया भाई साहब क्या पूरे विश्व में प्रोडक्शन का हब बनने वाला है जिस प्रकार चाइना बना हुआ है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी आपको देते हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा आपको पता होगा कि इंडिया यह कब से कब कर पाया, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, देखिए 2016 से क्या 2016 से भाई साहब क्या 2020 तक यह निर्धारित हुआ है कि इसमें भाई साहब क्या 33% की कमी आया है किसमें, रक्षा सौदा के आयात में। अब देखिए अब आपके मैंने जिज्ञासा उठ रही कि भाई साहब हमें ये बताइएगा क्या भारत अपने रक्षा सौदा पे भाई साहब क्या खर्च करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। अब भारत जिस कंपनी जो कंपनी भारत में प्रोडक्शन करेगी भाई साहब क्या उस कंपनी से ही लेगी, मतलब पैसा तो उतना ही खर्च करेगी लेकिन थोड़ा नियम चेंज कर दिया है। अब उससे क्या होगा हमारा देश में एक प्रकार से टेक्निक आएगा और भाई साहब क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारत सरकार बहुत ही बेस्ट कर रही है और हम लोग भी इसके सपोर्ट करना चाहिए, पैर साथ ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं भाई साहब क्या रक्षा पे बैठ किसका किसका, ध्यान दीजिएगा अगर बात करें पैर साथ यूँ अमेरिका की, तो देखिए 4.78 करोड़ भाई साहब किसका, अमेरिका का जो भाई साहब खर्च करता है किस पे, अपने भाई साहब क्या डिफेंस पे खर्च करता है, कितना 4.78 करोड़ भाई साहब, देखिए यहाँ अगर आपको दिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा 4.78 करोड़ भाई साहब क्या खर्च करता है अमेरिका अपने रक्षा सौदे पे। अब देखिए अगर इंडिया की बात करें तो भाई साहब तो इंडिया भाई साहब क्या तीसरे नंबर पर आता है और ध्यान दीजिएगा और तीसरे नंबर भाई साहब आगे क्या करता है कि अपना रक्षा सौदे इतना मिलता है भाई साहब क्या, प्यार साथियों इंडिया भी क्या करता है अपना रक्षा सौदा भाई साहब क्या तीसरे नंबर पे आता है और भाई साहब क्या वह खर्च करता है। प्यारे साथियों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया ने ऐसा क्यों कर दिया और ऐसा भाई साहब करने की उसकी रणनीति क्या है। देखिए आपको पता होगा कि भाई साहब जो बेरोजगारी हमारे इंडिया की बहुत ही बड़ी परेशानी है और सरकार चाह रही है कि जो हम रक्षा डील बाहर से कर रहे हैं वो इंडिया में आए फैक्ट्री लगाएं, उससे हमारे को रोजगार मिलेगा और टेक्निक भी आएगी और भाई साहब क्या और हमको सस्ते मिलेगा। तो इस प्रकार से एक सरकार की बहुत ही सराहनीय काम है जो सरकार करना चाह रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने कुछ तथ्य जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। प्यारे साथियों अभी तक आप जान रहे होंगे कि इंडिया सिर्फ आयात करता है यानी निर्यात नहीं करता, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी प्यारे साथियों क्या 24वां ऐसा देश हमारा इंडिया है, क्या 24वां भाई साहब क्या हमारा इंडिया आता है जो प्यारे साथियों क्या अपना जो डिफेंस होता है इंपोर्ट करता है। अब आप कहेंगे भाई साहब हमसे कौन लेगा डिफेंस, तो प्रश्न आप निश्चिंत रहिए, देखिए एक प्रकार से आपका देखा म्यांमार है, क्या म्यांमार है, दूसरा आपका वियतनाम है, तीसरा आपका वैसे अफगानिस्तान है, देखिए ये सब क्या ये सब जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है भाई साहब उसको मांग रहे हैं। तो आप एक प्रकार से आपको खुशी हुई होगी कि हमारा इंडिया भी अब धीरे धीरे इंपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा बट थोड़ा सा ग्रोथ आसानी से नहीं बढ़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, सरकार कर रही है और उम्मीद है कि सरकार अच्छे तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाएगी। प्यार साथ निश्चित रहेगा आपको एक जानकारी आपको अच्छे तरीके से देंगे। आई होप कि आपको पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अच्छे तरीके से आपको जानकारी मिल गई हो। तो प्यार साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद जय भारत।